6 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता का समापन हुआ। इस वार्ता के साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंध एक नए स्तर पर पहुंचे हैं। वार्ता के बाद दोनों देशों के मंत्रियों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में नेहरू की पहली अमेरिका यात्रा का कितना योगदान था। मैटिस ने कहा कि जब भारत ने साल 1947 में आजादी हासिल की थी, उसके सिर्फ 3 वर्ष बाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे। मैटिस ने यहाँ पर उस दौरान नेहरू ने कैसे दोनों देशों के संबंधों को बयां किया था, इसे याद किया। मैटिस ने कहा, नेहरू ने अपनी यात्रा पर कहा था, ये अमेरिका के दिल और दिमाग के खोज की यात्रा है। मैटिस ने आगे कहा कि वो और विदेश मंत्री पोम्पियो इसी भावना के साथ भारत आए हैं। मैटिस ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हैं और उम्मीद है कि 2+2 वार्ता के बाद रिश्ते और मजबूत होंगे।